2 tan alpha is equals to 3 tan beta, then prove that tan of alpha minus beta is equals to sin of 2 beta upon में 5 minus cos 2 beta, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ करना है. रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है 2 times of tan of alpha is equals to 3 times of tan of beta. यहाँ से अगर अपन देखें तो tan alpha को अपन क्या ले सकते हैं, in terms of tan beta 3 by 2 tan beta, ठीक है, तो ये अपन रिलेशन यूज करेंगे. ठीक है, अब अपने पास अगर फॉर्मूला देखें लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या गिवन है जो प्रूफ करना है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है टेन ऑफ अल्फा माइनस में टेन ऑफ बीटा अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा. ये सिंपली टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए फॉर्मूला पुट कर दिया. अब यहाँ से टेन ऑफ अल्फा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, थ्री बाय टू टेन बीटा. ठीक है, टेन ऑफ अल्फा को क्या पुट कर सकते हैं, थ्री बाय टू टेन बीटा माइनस में क्या है यहाँ पे टेन बीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी टेन अल्फा को अपन टेन बीटा से रिप्लेस करेंगे क्योंकि जो राइट हैंड साइड में रिलेशन गिवन है वो बस बीटा में गिवन है. ठीक है, ये जगह यहाँ पे वन और प्लस में टेन अल्फा को अपन पुट करेंगे थ्री बाय टू टेन बीटा और यह जगह यहाँ पे टेन ऑफ बीटा. अब आगे अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, एलसीएम ले लें, इसके लिए एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री टेन बीटा माइनस में टू टेन बीटा, ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन ऑफ बीटा अपॉन में टू डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टू प्लस में थ्री, टू प्लस में थ्री और ये आ जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई टू, ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा. अब अपन क्या करें, यहाँ पे टू से टू कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है, ये टू और ये टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. अब टेन बीटा को अपन क्या ले सकते हैं, साइन कॉस के टर्म में इसको ले सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ बीटा अपॉन में कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे टू प्लस थ्री में टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर बीटा को अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, यह देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, ये यहाँ से इसकी वैल्यू होगा. अब अपन इसको क्या करें, रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास, इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो यह आ जाएगा साइन ऑफ बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ बीटा और यह आ जाएगा इन टू में कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर बीटा, टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में थ्री साइन स्क्वायर बीटा, ये यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा. इसको अगर बनेंगे तो कॉस बीटा से यहाँ पे एक कॉस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन बीटा इंटू में कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में क्या है यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में थ्री साइन स्क्वायर बीटा. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टू, यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज. ठीक है, और यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसको अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे थ्री टाइम्स ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा. ठीक है, यहाँ पर अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसको अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे थ्री माइनस में, थ्री माइनस में इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो थ्री ये जाएगा प्लस में थ्री माइनस में थ्री कॉस स्क्वायर बीटा. ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा को अपन क्या ले सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगा. तो अगर अपन इसको रीअरेंज करके देखें तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर में साइन बीटा इंटू में कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमीटर में आ जाएगा यहाँ पे थ्री माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, थ्री माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा. लेट्स से इसको टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करते हैं. ठीक है, टू से मल्टीप्लाई करते तो यह आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई, टू से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स माइनस में टू कॉस स्क्वायर बीटा. ठीक है, अब अपन जानते हैं टू टाइम्स ऑफ साइन बीटा कॉस बीटा को अपन क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ टू बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू बीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमीटर में आ जाएगा यहाँ पे सिक्स माइनस में, सिक्स माइनस में टू कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू को अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, टू कॉस स्क्वायर बीटा को अपन रिप्लेस कर सकते हैं. लेट्स से अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कॉस ऑफ टू बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से इसकी वैल्यू होता है अपने पास टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में वन. ठीक है, ये यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला होता है और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है अपने पास कॉस ऑफ टू बीटा. तो टू कॉस स्क्वायर बीटा को अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे सिक्स माइनस में, टू कॉस स्क्वायर बीटा को अपन लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ऑफ टू बीटा. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में आ गया साइन ऑफ टू बीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास सिक्स माइनस में वन, ये आ जाएगा फाइव माइनस में कॉस ऑफ टू बीटा. और यही अपने को प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, साइन टू बीटा अपन फाइव माइनस में कॉस ऑफ टू बीटा, और ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे राइट हैंड साइड.